प्लेटो यूनानी दार्शनिक थे जिनके गुरु सुकरात थे। उनके पास हर रोज कई विद्वान लोग मिलने आते थे और सभी उनसे कुछ न कुछ शिक्षाप्रद व ज्ञान की बातें सीखते थे। लेकिन प्लेटो अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं मानते थे। वे हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहते थे। एक दिन उनके एक साथी ने उनसे कहा, आपके पास एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वान कुछ न कुछ जानने व सीखने आते हैं। आपसे मिलकर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, पर मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आती। मित्र की बात सुनकर प्लेटो ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? इस पर मित्र बोला, आप खुद इतने बड़े दार्शनिक हैं और लोग आपसे ज्ञान और शिक्षा अर्जित करने आते हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों से कुछ सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वह भी बड़े उत्साह और खुशी के साथ। उससे भी बड़ी व खास बात यह है कि आप एक साधारण इंसान से सीखने में भी शर्म नहीं करते। आपको भला उनसे सीखने की क्या आवश्यकता है? कहीं आप उन्हें खुश करने के लिए सीखने का नाटक तो नहीं करते? मित्र की इस बात पर प्लेटो जोर से हंसे और बोले, हर किसी के पास सीखने के लिए कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं, इसलिए जहां से भी और जिससे भी सीखने को मिले सीखो, शर्म मत करो, संकोच मत करो। दोस्तों, ज्ञान असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए सीखते रहिए। फिर चाहे कोई बदलाव या उतार चढ़ाव आए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।